भारत सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों के खातों में इसकी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा डिजिटली स्थानांतरित की जाएगी, इसका सीधा वितरण होगा और संख्या की दृष्टि से आपसे साझा करें तो इसके अंतर्गत 1,01,06,880 लाभार्थी किसानों के खातों में ये राशि पहुंचेगी और ये राशि है 2,021 करोड़ रुपए की, जो लघु एवं सीमांत किसानों के खातों में प्रेषित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इस योजना के लाभार्थी किसानों में से कुछ एक इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पीएम किसान सम्मान पत्र प्रदान करेंगे। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार, जहाँ पहले किसान क्रेडिट कार्ड कृषि कार्यों से जुड़े किसानों को ही दिया जाता था, आज का दिन किसानों के लिए बेहद ही खास हो गया, क्योंकि आज केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की 15वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया। वहीं बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब, हमारे खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। तो किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी किसान भाइयों के खाते में यह पैसा जारी कर दिया जाएगा। कभी कभी जब पीएम नरेंद्र मोदी पैसे जारी करते हैं तो इसका प्रोसेस होने में कई कई दिनों लग जाते हैं, यानी कि जब पीएम मोदी डीबीटी के माध्यम से पैसे जारी करते हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि आपके बैंक खाते में ना पहुंचे। पहला कारण तो यह आपके बैंक के सर्वर पर डिपेंड करता है, कभी कभी बैंक का जो सर्वर होता है डाउन होता है या फिर बैंक जो है बंद होता है, इस कारणवश भी किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुँच पाते हैं। या फिर हो सकता है कि आपने अपना EKYC अपडेट ना करवाया हो, और आपने अगर अपना EKYC अपडेट कराया हो तो भूलेख सत्यापन नहीं करवाए होंगे। अगर आपने EKYC भूलेख सत्यापन दोनों करवाए तो आप हो सकता है कि अपना जो बैंक अकाउंट है DBT वाला विकल्प अपडेट ना करवाए हो। ऐसे में अगर आपको पिछली किस्तों का लाभ नहीं मिला है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आपके बल्ले बल्ले हैं और आपके खाते में इस बार केंद्र की मोदी सरकार आपके खाते में 4000 रुपए की धनराशि जारी करने वाली है। धन्यवाद।